हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का जो रेनबो है पार्ट बिहार बोर्ड का, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एन एपिताप। देख सकते हैं दोस्तों, एन एपिताप वाल्टर डी रेमारा जी के द्वारा लिखा गया है ना, वाल्टर डी रेमारा के द्वारा लिखा गया है, और जिनका जन्म आप यहाँ पर देख सकते हो 1873 में जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी, आराम से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका समरी, हम लोग बिल्कुल शॉर्ट समरी देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है पोयम, इतना सा पोयम है ये यहाँ तक है। जी हाँ दोस्तों, इतना सा पोयम है। चलिए देखते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। दोस्तों ये आपको पोयम लगता है इतना सा, लेकिन असल में इतना सा पोयम है, लेकिन जो इसका मीनिंग आता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का आता है। तो चलिए देखते हैं इसका समरी। यहाँ से शुरू हो जाता है रेनबो इंग्लिश बुक क्लास 12 पोएट्री एंड एपिताफ, यहाँ से शुरू होता है हमारा। वाल्टर डी रेमारा हैज़ रिटन मैनी लवली पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1873 एंड डाइड इन 1956। हिज सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाए डिस्क्राइब द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। ठीक है, वाल्टर डी रेमारा जो है ना, उन्होंने बहुत लवली लवली पोएम लिखा है बच्चों के लिए। उनका जो जन्म 1873 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था, ये लिखना है ये समरी में। ठीक है, समरी है, ये शॉर्ट समरी है। चलिए, हिज सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाए डिस्क्राइब द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। इन्होंने इनका जो सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन के द्वारा लिखा गया है पीकॉक पाए और डिस्क्राइब द वर्ल्ड ड्रीम है। नेक्स्ट बताते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं इन दिस पोएम। इन दिस पोएम ही एवल्यूट ए ब्यूटीफुल वोमेन। इस पोएम में उन्होंने एक सुंदर औरत के बारे में बताया है। इपिताफ आर शॉर्ट पोएम रिटन ऑन टर्म ऑफ डेड पर्सन। एक इपिताफ का मतलब होता है कब्र, इपिताफ का मतलब होता है कब्र। आपको नहीं पता होगा कब्र है इपिताप, है ना, कब्र के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसे इपिताप कहते हैं ना। जो कब्र होता है इस तरह का, इसके जो ऊपर लिखा हुआ रहता है कुछ भी लिखा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, इपिताप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से सही से कि इस पोएम में उन्होंने ब्यूटीफुल वोमेन के बारे में बताया है, सुंदर औरत के बारे में बताया है। इपिताप आर शॉर्ट पोएम रिटन ऑन टर्म ऑफ डेड पर्सन। इपिताप एक शॉर्ट पोएम है जो कि टम्ब ऑफ डेड पर्सन, मरे हुए पर्सन टॉम होता है। टॉम मतलब आप जानते होंगे गुंबज वगैरह होता है ना, टॉम इस तरह का होता है। चलिए, द पोएट रॉट एन इपिताप फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। पोएट ने लिखा है एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए लिखा है। ठीक है, पोएट ने एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए यह इपिताप के बारे में लिखा है, एन इपिताप जो हमारा पोएम है। सी वॉज द मोस्ट पॉपुलर लेडी इन द वेस्ट कंट्री। वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, कहाँ की, वेस्ट कंट्री की। सी वॉज द मोस्ट पॉपुलर लेडी इन द वेस्ट कंट्री। सी वॉज द मोस्ट पॉपुलर लेडी इन द वेस्ट कंट्री। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर, हर पॉपुलरिटी वॉज ओनली, उनका जो पॉपुलरिटी है वो सिर्फ सुंदरता है। बट सी हैड नो क्वालिटी, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, सुंदरता के अलावा कोई भी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हेलो दोस्तों, इतना तो आप समझ गए हैं कि उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, सी है नो क्वालिटी, मतलब कि सिर्फ पॉपुलरिटी है, ब्यूटी है, है ना। हर पॉपुलरिटी वाज नॉट बिकॉज ऑफ ब्यूटी, उसका जो पॉपुलरिटी है सिर्फ ब्यूटी के कारण नहीं है, उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर, हर माइंड एंड हर्ट वेयर क्वालिटी लेस। उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है, उसका जो हर्ट है वो क्वालिटी लेस है, क्वालिटी है ही नहीं उसमें। इसलिए रियली सच पॉपुलरिटी डज नॉट लास्ट लॉन्ग, जो ये पॉपुलरिटी है वो अंत तक नहीं रह सकता है। ठीक है, इतना समझ गए, हर पॉपुलरिटी डज नॉट लास्ट लॉन्ग। अब देखते हैं, इट इज़ टेम्प्रोरी, एक टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी ही रहेगा क्योंकि वो क्वालिटी लेस है। अब नेक्स्ट बोल रहा है, द पोएट सस्पेक्ट डेट आफ्टर सम टाइम्स नो बडी विल रिमेंबर दिस लेडी। पोएट ये अज्यूम कर रहे हैं कि आगे जाकर बाद में कोई भी उस लेडी को याद नहीं रखेगा क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी है ही नहीं। ठीक है ना, उसमें कोई क्वालिटी है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आगे पोएट कहते हैं कि द पोएम इज़ द कमेंट ऑन ब्यूटी ओनली, बी ब्यूटी नॉट ए वुमन विल बी रिमेंबर। ये जो पोएम है सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड है
ओमेन विल बी रिमेंबर, और ओमेन को कोई याद नहीं रखेगा, सिर्फ ब्यूटी ही याद रखेगा ओमेन की, जो ब्यूटी, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी है ही नहीं। नेक्स्ट बोलता है देयर शुड बी ब्यूटी एंड क्वालिटी बोथ, देन ओनली ओमेन विल रिमेंबर बाय ऑल। जो यहाँ पर इसके पास जो ब्यूटी है और क्वालिटी दोनों चीज़ होना चाहिए, सिर्फ ओमेन में क्या है, सिर्फ के सिर्फ ब्यूटी ही है और उसे सभी लोग याद रखेंगे, लेकिन वो टेम्प्रोरी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ना कि ब्यूटी हैज टेम्प्रोरी अपील, जो ब्यूटी है उसकी सुंदरता वो टेम्प्रोरी रहेगी, ब्यूटी विल डिसअपेयर, ब्यूटी गायब हो जाएगी जब वो मर जाएगी, ब्यूटी विल डिसअपेयर, ब्यूटी गायब हो जाएगी जब वो मर जाएगी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद मतलब जब मर जाएगी। बट वर्चूज विल रिमेंबर, ध्यान सुनिएगा, बट वर्च्यू विल रिमेंबर, बट वर्च्यू विल रिमेंबर परमानेंटली, जो उसका गुण है, जो उसका गुण है, वर्च्यू मतलब होता है गुण, जो उसका गुण है वो हमेशा परमानेंट याद रखेगा, लेकिन उसके पास कुछ गुण है ही नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पोएट कहते हैं इनफैक्ट दैट पोएट हैज कंपेयर बिटवीन ब्यूटी एंड वर्च्यू नेसली, यानी कि कहीं ना कहीं जो पोएट है यानी पिताब के जो पोएट है वाल्टर डिलामारे, उन्होंने ब्यूटी और वर्च्यू के नाइसली कंपेयर कर दिया है कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है और वर्च्यू मतलब गुण का मतलब क्या होता है, उन्होंने अच्छे से कंपेयर कर दिया है। दोस्तों आज का ये समरी यही खत्म होता है, यानी पिताब के बारे में सिर्फ इतना ही है, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पूरा पूरा समरी, आप उसको कॉपी करके लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पोएट, और क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।